अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सजल मलिक और वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं रेडी हो चुकी हूँ। पहले तो मुझे बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने कल हेयर कलर कराया था और ये मुझे लग रहा है चट ब्लैक कलर को ही आ गया। असल में 45 मिनट रखा था ना, तो फिर क्या कर सकते हैं हेयर। अभी मैं जा रही हूँ शूटिंग पे ड्रामा की, और मेरा आज का जो एपिसोड है वो होगा रैम्बो एंड साहिबा के साथ। यस, हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के पुराने आर्टिस्ट हैं। सो आई होप कि आज का एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ अच्छा रहेगा। मैं रेडी हो चुकी हूँ, बैग वैग पहन के खड़ी हुई हूँ। अब सिर्फ बाहर गाड़ी में बैठूंगी और दफ़ा हो जाऊँगी। सो मिलते हैं सेट पे जाके। ये हमारे शूट की लोकेशन है, ये हमारे शूट की लोकेशन है। अंदर चलते हैं, बेल देते हैं ज़रा। ना पड़ जाए, इतनी खतरनाक बैल है ये। देखिए, किप्स कॉलेज सामने है। मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मेरा एक सीन भी हो चुका है जो कि रैम्बो सर के साथ था। एंड इट वाज वन टेक शॉट, बहुत अच्छा रहा। एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। एंड लेट्स सी आगे के जो सीन्स हैं इस एपिसोड के वो कैसे जाते हैं। और ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस चल रहा है, इसके बाद मेरा सीक्वेंस होगा। साथ इज्जत करती है ना, बीवी मुंह लगाती है और नौकर भी मेरी इज्जत नहीं करते। अब वापस चेंज करना है ऑब्वियसली ड्रेस। सो बाय। एक ही बड़े मजे के कैरेक्टर बने हुए हैं। अमान सोना साहब है मेरे साथ। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं आपकी खूबसूरती का राज क्या है? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम, दैट्स नाइस। और ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। मिला मुलाकात हो गया आपकी सोना साहब से, तो कितने सोने लग रहे थे ये, माशाल्लाह। और इन्होंने गिन के 3 मिनट लगाए और ये बहुत आला तैयार हुए हैं। और मेरे पास आ गया है स्क्रिप्ट, मेरा घर किसकी मर्जी। तो ऑब्वियसली किसकी मर्ज़ी हो सकती है, ये तो बेगम की ही मर्ज़ी हो सकती है। तो इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ना, वो है जी, किस नाम से है, अतीका के नाम से है। वेयर इज़ अतीका? या आतका, आतका, यस, दिस इज़ आतका हियर। तो आज यानी कि सज्जन मलिक जो है वो गेटअप में आ रही हैं मिस आतिका के नाम से। एक और सेट पे मज़ेदार से कैरेक्टर हैं धोनी बाबा के नाम से, है ना। और ये इनका मज़ेदार सा प्रॉप है। मिस्टर रंगीला साहब तैयार हो गए और मिस्टर धोनी साहब भी तैयार हो गए। ये बाबा की बीन है जी, ये इनका डंडा है जी। तो ये बीन बजाते हैं, हाँ, इससे खुदलते हैं, खास करते हैं। और इससे आप ये मर्चियां रगड़ते हैं। नहीं, ये डोंगी वाले ये ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे नहीं, नहीं, इससे इससे मर्ची रगड़ते हैं, इससे मर्ची रगड़ते हैं। हाँ, वो ये वाली, हाँ ये वाली, ऐसे नहीं, ऐसे सरदाई रगड़ते हैं। अच्छा, तो कैसे रगड़ते हैं? यूं? हाँ, यूं, यूं भी नहीं। देन हाँ हाँ, पुत्र तेनू के जो पेंडा लव्या हो तो सत मझा सामने बहन के लाग पता जाए। लुकत लग गई है मुझे। चले हैर जी, जिसका काम उसी को साथे आवाज भाई। खाने के बाद चाहिए सबको डांट पड़ी है।
तो रेडी फॉर शूट और अब बस जाके अपना सीन करते हैं जल्दी। बाय। ये हमारा जी आज का इंडोर सेटअप है। अभी एक दो सीन्स यहाँ पे होने हैं। चलें। ये घुमाना। सेट हो गई। हमने खाना डन कर लिया है। हलीम थी हमारे पास और था कोरमा। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने मेकअप आर्टिस्ट से। आज के मेकअप आर्टिस्ट ये हैं जी और ये इनका खूबसूरत सा मेकअप है जिससे हम ये खूबसूरत बनाएंगे। हेलो। और इनसे मैं काफ़ी दफ़ा मिल चुकी हूँ। ऑल टाइम माय फेवरेट टी। चाय। भैया मुझे तो नींद आ रही थी तो मैं लेट गई हूँ। मैंने आ गई हूँ नींद तो थोड़ी देर मैं सोने लगी हूँ। सोना क्या बस टेकिंग अ पावर नैप ऑफ 5 to 10 minutes। इट्स जस्ट अ 5 minutes। 5 मिनट का होगा पावर नैप। वो भी अगर मुझे किसी ने सोने दिया तो कोई नहीं, जितनी टाइम भी हम सो सके सो लेते हैं। बाय बाय। फ्रेश जूस ऑरेंज आप भी लेना। वेलकम शेफ। जी जी। ये मेरी फ्रेंड है अतीका। अच्छा। ये कुछ दिन यही रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो। क्या करो? इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र कर, इनका ख्याल रखना। मैं कहूँगा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनका ख्याल रखना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इनका ख्याल रखना। आप फिक्र ही ना करें, मैं इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलो आओ मैं तुम्हें तारा रूम दिखाता। ना, मेरे होते हुए आप ये कैसे करेंगी? मैं हूं ना आपकी खिदमत के लिए। मैं छोड़ के आता हूँ। लाइए ये, मैं आपके कमरे में आपको दे दूंगा। आ जाए। चलो फिर मिलते हैं। ओके, सी यू। आप आए मेरे साथ। ये मेरे साथ साथ आ रहे हैं। दरवाजा खोलो ना। नहीं नहीं खोलना नहीं है, मतलब रुक के कहना मुझे। देखो कितना मुझे ये आ रहा है। ये आया मुझे अगेन वो ग्रीन वाला ड्रेस पहनना है बिकॉज उसका एक सीन रहता था और बाहर डे लाइट ख़त्म हो जानी थी, उसमें ये सेकंड वाला ड्रेस था इसलिए भी हमें ये वाला पहनना पड़ा। सो अभी वापस जा रही हूँ और ग्रीन ड्रेस पहनेंगे। ये किचन है, ये भी कुछ लोग खाना चल रहा है। अभी मैं एंटर हो गई हूँ। ये भी कुछ मेरे ख्याल से शूट का ही पार्ट है, चल रहा है और वो मेरा बैग लेके जा रहे हैं। चलो हैर अंदर चलते हैं। मिलो। अच्छा वो तेरी बड़ी वीडियो हुई थी एक, मैंने हाँ, देखी थी। अभी मुझे सेट पे मिली है रिमशा है, ये भी मॉडल है। और ये पहले वाली मॉडल है। और होस्टिंग और ऐसे कर रही होती है ना टिकटॉक पे, ऐसे वायरल हुई हुई जैसे जिसके अब्बा जान कह रही। आई नो, बट वो अगर शोर जा रहा होता तो वो हमें कह देते साइलेंस। वो बोल देंगे इट्स ओके। और ये रिमशा के काम देखें इस वक्त जो है वो जूते अपने जोड़ रही है। लड़कियां सिर्फ मेकअप पे फोकस नहीं होती, अपनी चीज़ें जोड़ने मैकेनिक भी बनी होती। अच्छा तेरे शूट्स कैसे चल रहे हैं? अच्छा तो बड़ी तो हुई हुई है इन, लेकिन आपका क्या सीन है तेरा? किसने शूट्स वगैरह? शूट्स मैंने कम कर दिए हैं। मेरा जो मुझे अच्छा बजट देता है बस वो उनका करती हूँ मैं। सुपर मॉडल। यस। चले यार अब साहिबा को मैंने देखा एंटर होते हुए, उसका मेकअप होगा। हमारे शूट्स और डैम्पो साहब भी आ गए हैं। मेरी नज़र पड़ गई है, मेरी नज़रें चारों तरफ टटर बटर चलती रहती है। हाँ, तो इसने मुझे पिंच बोल दी। कोई बात नहीं है दादा, वो आप अगर देख सकें तो वो रैम्बो है। तुम जाओ कुछ ठंडा ले आओ। जी अच्छा जी। हम इधर बैठे हैं। हाँ आ जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ, ना कोई फोन ना कोई अपना
बताओ पता, ये एकदम आ गई यार, सरप्राइज था, सरप्राइज देना था ना, यू नो आई लव सरप्राइजेस। चलो चलो और बताओ। और बस ठीक, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? और वो तुम्हारे हस्बैंड? बस छोड़ो यार, उसका क्या है बताओ। चाबी अच्छा ठीक है।